तो आज मैं आप लोगों को वर्लपूल के जो कीपैड है उसके क्या फंक्शंस हैं, उसके क्या यूज़ है, उसके बारे में जानकारी शेयर करना चाहता हूँ। ये देख रहे मेरे सामने में है एक क्यूबिक्स प्राइम वर्लपूल ड्यूअल सीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कीपैड फंक्शन के बारे में जानने के लिए। ये जो देख रहे हैं ये हमारा वाटर मोटर चलाने के लिए है, ये हमारा एयर मोटर यानी एयर ब्लोअर चलाने के लिए है, और प्लस और ये माइनस जो बटन है ये एयर स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए है। ये हमारा लाइट के लिए ऑप्शंस हैं और ये हमारा सैनिटाइज़र का ऑप्शंस हैं। तो चलिए अब फिर जो हमारा एयर के लिए तो प्लस माइनस बटन कम करने के लिए दिया हुआ है, बट वाटर की स्पीड को कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? तो ये देखिए यहाँ में एक एयर वेंचर दिया हुआ है, वो दिख रहा है आपको, ये एयर वेंचर है जिससे वाटर की स्पीड कम या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने वाटर मोटर ऑन किया तो ये देखिए पहले ग्रीन कलर की जल रही थी, अब ये रेड कलर की लाइट जल गई। ठीक है, अब इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करेंगे तो चलिए देखते हैं वाटर स्पीड को कम या ज़्यादा करके। देखिए मैं इसके स्पीड को कम या ज़्यादा इस नॉब से, एयर वेंचर नॉब से कर रहा हूँ, तो जो यहाँ में लोकेट करती है अब देखिए इसकी कम स्पीड या ज़्यादा होगी। ये देखिए मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, ये मैंने रोटेट किया तो वह कम हो गई। अब इसको रोटेट कर रहा हूँ, देख रहे हैं ये ज़्यादा हो गई। तो इस तरह से वाटर मोटर को स्पीड को कम या ज़्यादा इस एयर वेंचर से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एयर मोटर के लिए है, मैं वाटर मोटर को बंद कर देता हूँ। देखिए बंद किए तो अगेन वो ग्रीन कलर की लाइट। मैं अब एयर ब्लोअर को स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए ये एयर ब्लोअर स्टार्ट हो चुका है, अब इसको हम लोग स्पीड को कम या ज़्यादा करते हैं तो आपको पता चलेगा इसकी स्पीड कम हो जाती है, दिख रहा है ना आपको स्पीड कम हो गई। अब इसे इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं, ये देखिए राइट, ये हम लोग 10 स्टेप में कर सकते हैं, 10 स्टेप बढ़ा सकते हैं, 10 स्टेप घटा सकते हैं, राइट। ठीक है, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब लाइट के लिए क्या है दोस्तों, यदि लाइट के मैं ऑप्शन को एक बार प्रेस करूँ तो ये अल्टरनेटिंग यानी ऑटोमेटिकली कलर चेंजिंग मोड में जाएगा। ये देखिए मैं ये कर रहा हूँ, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली कलर मैंने प्रेस करके छोड़ दिया, अभी ऑटोमेटिकली कलर चेंज होते रहेगा। सिंगल प्रेस करके छोड़ने से ऑटोमेटिकली कलर चेंज होते रहेगा, ये देखा आपने, ये देखिए ये कलर की लाइट चेंज हो रही है। अब मैं इसको प्रेस ऑन करते जाऊं तो देखिए कलर जो है, अब जैसे मुझे रेड है तो रेड पर रखेंगे, तो ऐसे छोड़ देंगे तो रेड पर रहेगा। मैंने फ्री प्रेस का ग्रीन पर ऐसे रखें, ग्रीन रह गया, फिर मैं ऐसे करूं ब्लू हो जाएगा, ये ब्लू पर ही कॉन्स्टेंट रहेगा जब तक हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर मैंने इसको किया, ये थोड़ा सी लाइट ब्लू कलर की आई, फिर मैंने इसको प्रेस किया, ये देखिए थोड़ी सी लाइट पिंक कलर आई, ये देखिए ये थोड़ी सी लाइट येलो कलर है, ये देखिए थोड़ी सी लाइट ब्लू कलर है, अब ये देखिए वाइट कलर है। अब इसके बाद यदि मैं प्रेस करूँ तो ये ऑफ हो जाना चाहिए, चलिए देखते हैं ऑफ होती है या नहीं। देखा, तो इस तरह से जब तक जो है लाइट वाइट ना आ जाए तब तक ये ऑफ नहीं होगी। ठीक है, अब सैनिटाइजर ऑप्शन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, तो चलिए मैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सैनिटाइजिंग को फिलअप करने के लिए दिया हुआ है, इस कैप को हम लोग खोल के इसमें हमारा सैनिटाइजिंग लिक्विड फिल कर सकते हैं यानी भर सकते हैं। और ये किस कैसे भरता है, इसकी बोतल देखिए आप यहाँ में रखा हुआ, ये सैनिटाइजिंग बोतल है। आप इसमें देखेंगे ना, यदि गौर से देखेंगे ये वॉल्व लगी होती है और एक वाटर लेवल सेंसर लगा होता है जिससे पता चलता है इस टैंक में सैनिटाइजिंग लिक्विड है या नहीं है। यदि नहीं है तो ये प्रॉपर काम नहीं करेगा यानी बिल्कुल नहीं काम करेगा। अब चलिए इसके फंक्शन को ऑपरेट करके देखते हैं। और ये दिख रहा है ना आपको, ये वायर जो है पाइप है, इसके थ्रू जो सैनिटाइजिंग लिक्विड सक होती है इस बोतल से। ठीक है, चलिए सैनिटाइजिंग ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। ये दिख रहा है मेरा वाटर मोटर और एयर मोटर चल रहा है, तो इसमें क्या होगा, आप अभी यदि सैनिटाइजिंग ऑप्शन चलाओगे ना तो ये ऑपरेट नहीं होगी। ये देखिए मैंने चलाया, ये ऑपरेट नहीं हो रहा है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले मुझे जो है सैनिटाइजिंग लिक्विड फिल भरना होता है,
उसके बाद उसको एयर मोटर सॉरी वाटर मोटर और एयर मोटर को बंद करना होता है। अब यदि लाइट जले ना जले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखते हैं स्टार्ट करके, ये स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए साइकिल स्टार्ट हो गई है। और ये इसकी जो साइकिल टाइम है ये 5 मिनट तक का है, ये 5 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कैसे ऑफ होता है। ये ऑफ देख रहे हैं ना, मैनुअल ऑफ नहीं हो रहा है, यानी ये साइकिल कंप्लीट होगा तभी जाके ये ऑफ होगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली जस्ट अभी ये बंद हो गया है। तो इसको यानी आप जब ये साइकिल स्टार्ट हो गई तो बिना पावर ऑफ के इसको आप ऑफ नहीं कर सकते। ये 5 मिनट साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये ऑफ होगा। फिर से मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, जब ये आप सैनिटाइजिंग ऑप्शन ऑन करोगे या एक्टिवेट करोगे तो सबसे पहले टैंक में जो हमारा सैनिटाइजिंग लिक्विड भरा होना चाहिए प्लस वाटर मोटर और एयर मोटर ऑफ होना चाहिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।